Hello everyone, welcome again to our educational channel. In our today's video, we'll be learning lesson number 1.6 of class 12 Maharashtra Board Into the Wild. This lesson is written by Kiran Purandare. Before explaining this lesson, I must tell you that I have covered entire textbook of class 12 and this is the last lesson which I am covering today. I have explained all the poems, all the lessons and drama section as well. So links to all these lessons which I have already covered, I have given in the description box. You can visit over there and watch it out. So let us start with the story of this lesson, Into the Wild. Two parts are being given to us as far as this lesson is concerned. दो parts दिए हुए हैं. First part का नाम है Lost in the Jungle and second part is Tracking the Panther of Nagarholes. तो यहाँ से हम start करते हैं story का. पहले मैं आपको Lost in the Jungle का story बताऊँगी, then we'll come to the story of Tracking the Panther of Nagarholes. आपको एक ही video में पूरे lesson मतलब दोनों parts का story समझ में आ जाएगा. Listen to me carefully. Lost in the Jungle का story से start करते हैं. हमारे जो writer हैं वो एक बार once upon a time what he did वो निकले एक जंगल में सैर करने के लिए. वो नेचर को एंजॉय कर रहे थे और चलते जा रहे थे जंगल में. तो जैसे ही वो जंगल में चल रहे थे तो वॉक करते करते ही रियलाइज्ड कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है अब जंगल में आते हुए, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे स्टेप बैक करके अपने घर जाना चाहिए. तो और वो रहते कहाँ थे, कहाँ फिर ठहरे हुए थे, वो पिटाजरी विलेज में. तो वो अब पिटाजरी विलेज जाने के लिए अपने घर से वापस जाते हैं, तो जंगल से आगे बढ़ते हैं. तो जैसे ही जंगल से वो आगे बढ़ते हैं घर जाने के लिए, तो आगे चलते चलते उन्हें एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है क्याक क्याक की. क्या क्या की आवाज उन्हें आती है, क्या क्या मैं आपको लिख के बताती हूँ. इस तरीके की उन्हें आवाज आती है. तो वो जैसे ही उन्हें ये आवाज आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी लंगूर की आवाज है. तो जैसे ही उन्हें वो आवाज आती है और वो आवाज को सुनते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं. उन्हें पता चलता है कि आसपास कोई खतरा है. क्यों, वो जो आवाज कौन निकाल रहा था, क्या क्या की लंगूर के लीडर था जो ये आवाज निकाल रहा था. और ये आवाज तभी लंगूर निकालते हैं जब उन्हें बाकी के लंगूरों को अलर्ट करना रहता है. तो इस तरीके से वो आवाज सुन के सारे लंगूर अलर्ट हो जाते हैं और वो सबके सब मिलके आवाज निकालने लगते हैं. और ये आवाज लंगूर यूजुअली तब निकालते हैं जब उन्हें लेपर्ड दिखता है. तो ये देख सुन के राइटर जो है वो डर जाते हैं और ये बात राइटर को पता थी. तो राइटर ये आवाज सुन के डर जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास खतरा है, आसपास लेपर्ड है. तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही मतलब संभल के आगे बढ़ते हैं वो. और आगे जैसे ही वो बढ़ते हैं तो उन्हें कोई लेपर्ड दिखता नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है शायद लेपर्ड यहाँ से चला गया है. और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक पर्सन से मिलते हैं जिस पर्सन के हाथ में एक स्टिक है और वो भी शायद जंगल में ही घूमने आया था. और वो पर्सन का नाम जब उन्होंने बात की तो पता चला कि उस पर्सन का नाम है राजू. तो इस तरीके से राइटर और राजू मिलते हैं, वो आपस में बात करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि राजू भी डरा हुआ सा है क्योंकि उसने भी वो आवाज़ सुनी थी और उसे भी पता है कि वो लंगूर ये आवाज़ तब निकालते हैं जब लेपर्ड आसपास होता है, जब उन्हें खतरे का एहसास होता है. तो इस तरीके से राजू और राइटर मिलते हैं आपस में और वो दोनों बैठ के बातचीत करते हैं. एक कुसुम ट्री है, उस ट्री के नीचे वो बैठ के बातचीत करते हैं. तो राइटर को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है. क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके साथ कोई और है, कि अब दो लोग साथ में हैं, अब मैं अकेला नहीं हूँ. तो वो दोनों ही साथ में मिलकर रिलैक्स फील करते हैं कि अब वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन गए हैं. अब उनके पास दो नहीं, अब चार हाथ है, अब उनके पास डबल वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. ठीक है, तो एक से भले दो बोलते हैं ना, वैसा ही वाला सिचुएशन आ गया है यहाँ पे. तो वो दोनों साथ में ही आगे मिलके बढ़ते हैं. बढ़ते बढ़ते एक जो रास्ते पे वो पहुँचते हैं, वो रास्ता दो रास्तों में डिवाइड होता है. फर्दर वो दो रास्तों में डिवाइड होता है. तो जैसे वो फर्दर दो रास्तों में डिवाइड होता है तो वो राजू वाज़ सेइंग कि मैं एक रास्ते से जाता हूँ और आप वो दूसरे वाले रास्ते से जाइए जो सीधा चल रहा है, शायद आपको आपका विलेज वहीं से मिल जाए. तो ये सोच के राइटर अपने रास्ते जाते हैं, राजू अपने रास्ते जाता है. तो जैसे ही राइटर आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बहुत ही अजीब सा महुआ का ट्री देखने को मिलता है. और वो ट्री को देखते रहते हैं और आजू बाजू देखते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है, एट दैट टाइम ही वॉज रियलाइजिंग कि वो जंगल में लॉस्ट हो गया है, गुम गया है. तो अब उसके अंदर से थोड़ा सा डर लगने लगा कि अभी रात भी हो रही है, शाम भी जा रही है,
सूरज डल रहा है, पता नहीं मुझे मेरे घर पे जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो चलते चलते उन्हें ना हिलॉक दिखाई देते हैं। हिलॉक क्या होते हैं? छोटे से इस तरीके से ब्राउन कलर के, देखो मिट्टी के बने हुए रहते हैं, छोटे से पहाड़ हिल जैसे, तो उन्हें हिलॉक बोलते हैं। तो वो बहुत छोटे छोटे से हिलॉक्स थे। राइटर उन पे चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। उन्हें कोई ऐसी ऐसा ट्री नहीं मिलता है कि जो बहुत ऊंचाई पे हो, जहाँ पे वो रेस्ट कर पाए या बैठ पाए, जानवरों से बच पाए, खतरे से बच पाए, ऐसा उन्हें कोई भी ट्री नहीं मिलता है। तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें एक पहाड़ मिलता है, ऊंची चट्टान मिलती है। उस चट्टान पे वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और जैसे वो चल रहे हैं ऊंचाई तक पहुँचते हैं, तो उन्हें कुछ इंसानों का आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ सुन के उनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कहाँ से वो आवाज आ रहा है। जैसे ही वो और ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां उस ऊंचाई से कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स दिखाई देते हैं। तो उन्हें रिलैक्स फील होता है कि शायद यहाँ पे मैं, यहाँ पे जा, इस जंगल से अगर मैं इधर चला जाऊं तो मैं बच सकता हूँ। तो वो उस जंगल से निकलते हैं और उस जगह पर फाइनली पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो उस जगह पर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पिटाजरी विलेज ही है जहाँ पे मुझे जाना था। और जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, तो एक डॉग उनका वेलकम करता है बहुत अच्छे से, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो सफर कर रहे थे ना, ढूंढ रहे थे कोई ऊंचा पेड़, ऊंची चट्टान ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त उन्हें बहुत ही अनइजीनेस फील हो रहा था। उनके बैग में खाना वगैरह था, उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, स्टमक पेन भी हो रहा था, बट उस टाइम पे उन्हें उनसे खाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, घर आके जैसे ही वो पहुंचे, तो वो फ्रेश होके, फ्रेशन अप होके सबसे पहले उन्होंने खाना खाया अच्छे से, और वो बहुत ही रिलैक्स हो गए। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आए, तो बाहर वो लेटे हुए थे एक ट्री के नीचे, खुले आसमान में वो लेटे हुए थे चारपाई पे। चारपाई आपको पता होगा यूजुअली यूज किया जाता है विलेजेस में। तो वो वहाँ पे सोए हुए थे, उस बेड पे सो के वो तारों को देख रहे थे, और वो खुद से ही बातें कर रहे थे। तब वो इमेजिन कर रहे थे कि जो मैं जंगल में लॉस्ट हुआ था, क्या वो मेरी अच्छी किस्मत थी, क्या मैं बच के आया, क्या वो मेरी अच्छी किस्मत थी। तो क्या मैं इतना फॉर्चुनेट समझूं खुद को कि मुझे इतना एडवेंचरस एक्सपीरियंस करने मिला। तो वो उस टाइम उसमें से एक पॉजिटिविटी निकालते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतना एडवेंचरस एक्सपीरियंस करने मिला, और एडवेंचरस एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अभी यहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड और अच्छे से बैठा हुआ, सेफली बैठा हुआ हूँ। तो ये थी लॉस्ट इन जंगल की स्टोरी, जहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि किस किस तरीके से वो जंगल में लॉस्ट हो गए, और किस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, और पैनिक होने के बजाय उन्होंने क्या किया, रास्ता ढूंढा कि वो कैसे बाहर आ सकते हैं। और हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का नाम है ट्रैकिंग द पेंथर ऑफ नागरहोल। तो ये जो स्टोरी है वो स्टूडेंट्स एक रियल स्टोरी है शाहजंग की। शाहजंग जो पर्सन है, ये एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर है। अब फोटोग्राफर तो आपको पता है, सिनेमेटोग्राफर क्या होता है? सिनेमेटोग्राफर एक ऐसा पर्सन जो फिल्म्स बनाता है। अब सपोज मुझे कोई वीडियो बनाना है, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, मुझे अपने चैनल पे अपलोड करना है, आप मुझे इस तरीके का वीडियो बना के दीजिए। तो मैं उन्हें बताऊंगी कैसा वीडियो चाहिए, अब कैसे शूट करना है, कौन सा कैमरा, कौन सी लाइटिंग, कौन सा लेंस, कैसा एडिटिंग, क्या इफेक्ट्स डालने हैं, ये सब वो मुझे बना के देंगे। तो उन्हें सिनेमेटोग्राफर बोला जाता है, ठीक है। और ये ना मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसका भी सॉल्व करते हैं, वो भी रिजोल्यूट करते हैं, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, उतना इतना सारा हुनर है उनमें। वो वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग भी करते हैं, बिग कैट्स को कैच करते हैं। बिग कैट्स क्या होता है? बिग कैट्स में टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब आ जाते हैं। बिग कैट्स में पैंथर, ये सब आ जाते हैं। तो हम जो डिस्कवरी चैनल पे 5-5 मिनट्स के, 4-5 मिनट्स के वीडियोस देखते हैं ना, वो एक्चुअली वो वीडियोस देखने में तो बहुत ही मज़ेदार और सिंपल दिख देते हैं, बट उन्हें बनाने के पीछे किसी पर्सन का, ट्रैकर का बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो शाहजहां की मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि कैसे उन्होंने ब्लैक पैंथर को ट्रैक किया। ब्लैक पैंथर को खोजना, फाइंड आउट करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन इट इज देन वी व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज ओके सो इट इज फार फार मोर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ब्लैक ब्लैक पैंथर एंड कवर कैप्चर दैट ब्लैक पैंथर और द एक्टिविटीज ऑफ ब्लैक पैंथर इन द कैमरा। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था, विच इज डन बाय आर
सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर शाज जंग। तो जंग ने क्या किया, उन्हें ब्लैक पैंथर को कैद किया, कैमरा में कैप्चर किया। कैसे उन्होंने कैप्चर किया वो मैं आपको बताती हूँ। शाज जंग जो थे वो यूजुअली क्या किया करते थे, नागर होल के जो जंगल थे वहाँ पे वो ट्रैकिंग किया करते थे। अब नागर होल के जंगल को वो जब ट्रैक किया करते थे तो वो एक बार जाते हैं नागर होल के जंगल में, उन्हें वो जाते जाते रास्ते में, मैं आपको बता दूं कि नागरकोल के जो जंगल हैं उन्हें राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो जैसे ही शाज जंग एंटर करते हैं नागरकोल के जंगल में, नागरकोल के जंगल में जैसे ही वो एंटर करते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ डियर की होती है। तो वो बढ़ते जाते हैं आगे और आगे बढ़ने के बाद एक ब्लाइंड टर्न आता है उनके लिए। और वो ब्लाइंड टर्न क्या होता है, ब्लाइंड टर्न उसे कहते हैं कि एक ऐसा टर्न जिस टर्न के आगे हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो वो ब्लाइंड टर्न आता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो ब्लाइंड उस ब्लाइंड टर्न के, तो आगे उन्हें दो लेपर्ड दिखते हैं, एक लेपर्ड यंग है और एक ओल्ड है, वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। उस टाइम पे भी ये जो झांस जंग है वो फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, कैमरे में कैप्चर करते हैं बहुत सारे उनकी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स, और तब वो ये सब करते हुए थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि सूरज ढल रहा था। बट अगली सुबह वो उन जो दो लेपर्ड्स लड़ाई कर रहे थे उन्हें देखने वापस आ रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से देख नहीं पाए थे। तो जैसे ही वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बहुत ही ऊंची चट्टान पे एक यंग लेपर्ड, वही यंग लेपर्ड जाके बैठा हुआ है। उसका जो फेस है इट वॉज फुल्ली कवर्ड विथ ब्लड, उसके मुँह से भी खून बह रहा था, टपक रहा था। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो जख्मी था, बस उसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अब ये तो बादशाह बन चुका है इस जंगल का, इसके लिए एक न्यू जर्नी है। और उसी टाइम पे जो जंग है वो बोलते हैं कि मेरे लिए भी न्यू जर्नी है। क्यों शाज जंग के लिए क्यों न्यू जर्नी थी, क्योंकि उन्होंने जो फोटोग्राफ्स खींचे हुए थे लेपर्ड्स के वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गए थे, लोगों को बहुत पसंद आए थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। तो आगे वो क्या करते हैं, और भी ज़्यादा ब्लैक बिग कैट्स को वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से वो बिग कैट को ट्रैक करते करते आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें एक ब्लैक पैंथर मिलता है और वो ब्लैक पैंथर को कैमरे में कैप्चर करते हैं। ब्लैक पैंथर जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो ब्लैक पैंथर मिल जाता है। तो ब्लैक पैंथर के बहुत सारा एक्टिविटीज़ और बिहेवियर वो कैप्चर कर लेते हैं जो कैप्चर आज तक कभी किसी ने किया नहीं था, जिससे वो बहुत ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा फेमस और अप्रिशिएट किया जाता है उन्हें। तो वो ब्लैक पैंथर को जब कैप्चर कर रहे होते हैं तब वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम एनिमल से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि वो अपना एग्जांपल देते हैं कि मैंने एनिमल से पेशेंस सीखा है, पेशेंट कि इंसान को पेशेंट रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए और डिस्कवर करते रहना चाहिए। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें नहीं पता है और हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट हमें वो सब कुछ पता है उसका हमें प्राउड होना चाहिए, बट एक सही वे में, और हमें अच्छे से और ज़्यादा डिस्कवरी करते रहना चाहिए, बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें इकट्ठा करनी चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, ये तो हुआ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो हैं वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाते थे जहाँ पे वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस सिखाते थे, वो वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस सिखाते थे लोगों को। वहाँ ये जो विलेज था नागरहोल, वो विलेज में क्या था कि इनके जो जंगल थे और विलेज था इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं था, तो यहाँ के लोग क्या बोलते थे कि जो जंगल जंगल के वाइल्ड एनिमल्स है वो विलेज में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, जंगल के वाइल्ड एनिमल्स दरअसल विलेज में नहीं घुसे हैं, विलेज जो है वो जंगल में बनाया गया है, जंगल को हटा के विलेज बनाया गया है। तो इस तो क्या होता था, उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं थे तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे जाया करते थे, स्पेशली ठंडियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ऐसे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स जाके उनके खेतों को, विलेजेस के खेतों को नुकसान पहुँचाया करते थे। मेडोगोरा नाम का एक पर्सन है जिसके शुगर केन की
फील्ड थी जिसको वाइल्ड एनिमल ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया हुआ था, तो उससे बहुत ही गुस्सा आता था, वो बहुत ही नफरत करता था वाइल्ड एनिमल से, और बहुत सारे जो विलेजर्स हैं वो नुकसान भी पहुंचाया करते थे। तो वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस उनको समझाया गया और ट्रेन किया गया उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से बचते कैसे हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो सब समझाया। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं अभी, बहुत कुछ जानने लगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कहाँ पे है, किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो वो टूरिस्ट जब घूमने आते थे तो उन्हें भी एज अ गाइड हेल्प किया करते थे, और उससे भी वो इनकम बनाते थे और रेवेन्यू बढ़ाते थे अपना। ये जो मेडगोरा नाम का पर्सन है वो यहाँ पे 35 ईयर्स से रहता है इस विलेज में, और वो क्या बोलता है कि उसे सब पता है कि लायंस कहाँ रहते हैं, लेपर्ड कहाँ पे जाके छुपते हैं, तो ये सब उनको पता है कि कौन सा एनिमल कहाँ जाके बैठता है। तो वो बहुत टाइम से टूरिस्ट को गाइड भी करता है और पैसे भी कमाता है। तो जब उसने वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस समझा तो उसने अपने माइंड से ये दिमाग ख्याल निकाल दिया कि वो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा, और इस तरीके से चार्ल्स जंग जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते जा रहे हैं। एक ही पर्सन ऐसा है जिसमें इतनी सारी एक पर्सन ऐसा जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है स्टोरी का। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।